Something. Maharani Hajjan! मैं अपनी कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तुमने ही तो कुलकर्णी से कहा था कि तुम मुझे खुश करना चाहती हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आप इन बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे छूने की भी। कोई नहीं है यहाँ पे सुवर्णा बाई, इट्स ओनली मैं। कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला। तुमने लिए थे ना मेरे सोने के कंगन? आप चाहे तो ये सब ले लो, मुझे घर के अंदर आने दो। इस औरत के झमेले में पड़कर हमें और मुसीबत नहीं खड़ी करनी अपनी। चलिए अंदर। सुनो मेरी मेरी बात। क्यों रोकी? आगे बढ़ा, चल। गुना जी, मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये तो मेरे पैसे और गहने, ये तो ताले में रखे थे और इसकी चाबी। मेरी होने वाली पत्नी को हाथ लगाया तो हाथ
तोड़ दूंगा तेरा। होने वाली पत्नी? कमर! मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सबने मुझे धोखा दिया और मेरे सब कुछ लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Don't mess with Charles, Suvarna Bai. छोड़ो मुझे, छोड़ो, कुनाजी मुझे बचा लो, छोड़ो, छोड़ो, कुनाजी। You can't. कुनाजी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एक बात याद रखना साई, सुवर्णा बाई अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। आओ बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, मदद करोगे मेरी? और अगर करना भी चाहो तो कैसे करोगे? बचा पाओगे मुझे? ना यहाँ खिड़की है ना दरवाजे, और ऊपर से तुम अकेले, और वो अंग्रेज अफसर के पास उसके सैनिक हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पता था मुझे तुम क्यों करोगे मेरी मदद। तुम्हें तो खुशी मिल रही होगी ना मुझे इस हालत में देख के। तुम तो वैसे भी चाहते ही थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुमने ठीक कहा बहन, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मदद खुद करोगी। दुर्गा के प्रति तुम्हारी इतने वर्षों की श्रद्धा इस काजल में उनके आशीर्वाद के रूप में है। अब यही तुम्हारी रक्षा करेगी। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम अचानक इतना कोहरा कहाँ से छा गया? हाँ, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो वहाँ पे कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं चलते हैं। हुजूर, वो नहीं सोना भाई।
Suvarna Bai. Suvarna Bai. अब तुमको कौन बचाएगा? मैंने कहा था बहुत बुरा मौत मारने वाली हो तुम. तुमने दूसरों को बहुत दुख दिया है. अब उसका दर्द, उसकी तकलीफ खुद महसूस करो. ये यहां कैसे? क्या कर रहे हैं गुना जी? यहां रुकना ठीक नहीं होगा. चलिए. परेशान मत हो. अगर सुवर्णा बाई बच गई तो पुलिस ने हमारे खिलाफ शिकायत कर देगी, और सुवर्णा बाई ना बचे इसके लिए इस गोरे का बचना बहुत जरूरी है. उसके बाद खा लो. क्या हो रहा है गुना जी? मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है. जिसने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया. तुम्हारा भी गुनाह उतना ही बड़ा है जितना चार्ल्स का. जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब तुमने मेरा साथ दिया. जिसे मैं आज तक अपना दुश्मन समझती रही, तुमने मुझे बचाया. इन लोगों को मेरे लिए सजा दी, जिसने मेरा पाप जानते हुए भी मेरे साथ इतना बड़ा पुण्य किया. कौन हो तुम? कौन कहता है तुम पापी हो? ये समाज, जिसने तुम्हारे गुणों को नहीं देखा, केवल तुम्हारे रूप को देखा, और तुमने भी खुद को वही समझ लिया, वही तक सीमित कर लिया. तुम्हारा दोष सिर्फ इतना है कि तुमने खुद को दूसरों की नजर से देखा. तुम पापी नहीं हो सुवर्णा, तुम सिर्फ भटकी हुई हो. और भटक जाना कोई पाप तो नहीं होता. फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी पापी की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि मदद की सबसे ज्यादा जरूरत उसे ही होती है. पाप के भंवर से बाहर निकलने के लिए, पुण्य के किनारे तक आने के लिए तुम पापी नहीं हो. तुम जैसी भीतर से हो,
बाहर से भी खुद को वैसा ही बनाओ। अगर इस दुनिया से सम्मान पाना चाहती हो तो पहले खुद अपना सम्मान करो, अपने सपनों का, अपनी विशेषताओं का, अपने व्यक्तित्व का सम्मान करो। ऐसा करके तुम ईश्वर की उस इच्छा का सम्मान करोगी जिसके लिए उसने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है, और अपना सम्मान करके ही तुम दूसरों का सम्मान करना सीख पाओगी। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौड़ा सिरे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलक उजियारे दीनों के सहारे। अल्लाह मालिक। अरे भाइयों, मालूम है जिस अंग्रेज अफसर को कुलकर्णी सरकार ने सुवर्णा बाई का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया था, उसने बीती रात सुवर्णा बाई की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन साई ने अपने चमत्कार से सुवर्णा बाई को बचा लिया। क्या? हाँ चलो द्वारका माई जाके देखते हैं। चलो 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 ऐसे नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी। वही तो, अब हम देखते हैं ये सब क्या है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। रुक जाओ, आज तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोगों ने सुना है कि आपने लक्ष्मण रेखा खींचकर इस स्वर्णा बाई को बचा लिया। क्यों किया आपने इतना उपकार इस पर? कल रात तुम ही थी ना जो इसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। कल जब इसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी तो क्या तुमने इसकी मदद की? और तुम ही थे ना जो अपने घर का सामान बेचकर इसका तमाशा देखना चाहते थे, पर कल जब यह मुसीबत में थी तो तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया। देखो इसे, ये भी एक औरत है तुम लोगों की तरह। कुछ तो मजबूरी रही होगी जो इसने ये सब किया। सोचो अगर इस समाज में कोई इतना मजबूर है तो इस बात का जिम्मेदार कौन है? सुवर्णा बाई या फिर खुद ये समाज जिसने ना इसकी परिस्थितियों को समझा और ना इसकी मदद की। जो भी आगे आया इसे बस मनोरंजन का साधन समझा। तुम में से किसी ने भी इसे इंसान की नजर से नहीं देखा। क्योंकि अगर देखते तो कल रात जब ये मदद की गुहार लगा रही थी तो तुम में से कोई, सिर्फ कोई एक इंसान इसकी मदद के लिए आगे आता। लेकिन क्या किया तुम लोगों ने? इसे इसके किए की सजा देने के लिए इसे अकेला छोड़ दिया, मुंह फेर लिया इससे। जब तक ये तमाशे वाली बनकर तुम्हारे सामने खड़ी थी तुम में से हर इंसान इसे अपनाना चाहता था। लेकिन कल रात जब ये एक साधारण इंसान बनकर, एक मजबूर औरत बनकर तुम्हारे सामने आई, तब क्या किया तुम लोगों ने? अब बताओ सजा का हकदार कौन है? ये सुवर्णा बाई या फिर तुम
तुम या तुम, ये पूरा समाज। और जानते हो इसकी सजा क्या है? इसकी सजा है सच्चे मन से इस बात का एहसास करना कि तुम लोगों ने, इस पूरे समाज ने अन्याय किया है सुवर्णा के साथ। तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, पाप हुआ है मुझसे, मुझे माफ कर देना। आप मुझे शर्मिंदा करें, मैं कौन होती हूं आपको माफ करने वाली? हाँ, साई ने मुझ पे कृपा की है, मुझे अपने शरण में लेके, मेरी जान बचा के। साई ने तुम्हें बहन कहा है, जानती हो वो मुझे क्या कहता है? माँ। इस नाते तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हुई। सुवर्णा भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। साई, अब सुवर्णा मौसी सबकी दोस्त है, तुम उनसे गाना सीख सकती हो। नहीं चंपा, तुम्हारी माँ और साई बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे तुम्हें उस तरह का गाना बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए था। पर क्या करूं, इतने साल तमाशे वाले गाने गाते गाते मैं बाकी सारे गाने भूल चुकी हूं। नहीं बहन, तुम्हें अभी भी याद है, कोशिश करो, क्योंकि अब वही पुराने गीत तुम्हारे जीवन को नई दिशा दिखाएंगे, नई राह पर ले जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।